पढ़ने लिखने की उम्र में चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम देके एक बच्चे ने अपनी करतूत से सबको चौंका दिया है और बैंक से एक बड़ी राशि लेके रफू चक्कर हो गया है। इस नाबालिग को मासूम समझने की गलती मत कीजिएगा। तस्वीरें जींद स्थित पंजाब नेशनल बैंक की हैं। ये 11 साल का शातिर अपनी जेब से लिफाफा निकालता है और सीधा पहुंच जाता है कैशियर के कैबिन में, क्योंकि कैशियर उस वक्त वॉशरूम के लिए गया था। बस उसी बीच उसके कैबिन में घुसे इस शातिर ने 20 लाख रुपए की नकदी इसी लिफाफे में डाली और पूरी रफ्तार से वहां से रफू चक्कर भी हो गया। वहीं बैंक ने जब शाम को अपने कैश का मिलान किया तो 20 लाख रुपए कम होने पर उसके बैंक स्टाफ के होश फाकता हो गए। अंदर केबिन में एक छोटा बच्चा 10 साल का, वो जाता है केबिन में और उसका हाइट भी इतना रहता है कि किसी को दिख भी नहीं पाएगा, वो इतना छोटा बच्चा रहता है। केबिन में जाके केबिन से 20 लाख रुपया 5 बंडल 4 बंडल जो 500 की वो जो लेके अपने बैग में डाल के और उसके साथ जो भी आदमी था वो बच्चा और वो 200 आदमी यहाँ ग्राम से निकल गया। जब शाम में कैशियर को पता चला कि मेरा कैश घट रहा है तो सीसीटीवी फुटेज संभाला गया, सीसीटीवी फुटेज से ये पता चला कि जो है 20 लाख रुपया शॉर्ट हुआ और सीसीटीवी फुटेज में जो कि देखा गया कि बच्चा इस तरह का हरकत किया। महज कुछ सेकंड के इस खेल में बच्चे ने बड़े ही शातिराना तरीके से बैंक के 20 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी पुलिस को देते हुए उसे सूचित किया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन करते हुए जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तब सारा सच सामने आ गया। 12:45 की घटना थी, उसमें एक छोटा लड़का, उसके साथ एक यंग एज का लड़का है, कैशियर के सामने बेंच है उस पर बैठे हुए हैं और जब कैशियर अपने कैश रूम से 1:15 ही उठ करके गया है, कैशियर ने दरवाज़ा लॉक नहीं किया, दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, उसने लॉक नहीं था, तो वो छोटा लड़का अपने कैरी बैग है उसमें पैसे डाल करके ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके साथ एक यंग एज है ना निकलता हुआ दिखाई दे रहा। तो ये कैशियर की वजह से ये घटना घटी है, अगर कैशियर ठीक होता लॉक ठीक करता तो ये घटना नहीं घटती। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही बैंक कैशियर की लापरवाही को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते।